आईआईटी राम का जो स्वरूप बना है उसकी झलक पाते पाते नरेंद्र भाई से और मुझसे दिखाने वालों ने पूछा कि आज कौन से कार्यक्रम हुए और इसके बाद भी कोई कार्यक्रम है। मैंने ही उन्हें उत्तर दिया। मैंने कहा आज कार्यक्रम तो तीन और भी थे, लेकिन मैं मानता हूं कि आज के मेरे कार्यक्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये अभी का है। उससे पहले भी मैंने पूछा था, मैंने कहा कि मुझे जब नरेंद्र भाई ने इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया, कुछ दिन पहले दिया था, तब तो इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है यह भी नहीं पता था, लेकिन इस बार जब निमंत्रण आया तो उसमें यह लिखा हुआ था आईआईटी राम। अब आईआईटी तो एक प्रसिद्ध नाम है और इसीलिए मैं जब सुधीर जैन जी को सुन रहा था अभी, मुझे लगा कि अब तक विश्व भर में लोग अगर किसी शैक्षणिक संस्था की मान्यता करते हैं विश्व भर में, तो वो वही संस्था है जिसके प्रमुख यहां गांधीनगर में सुधीर जैन जी है। और आईआईटी का मतलब है कि अब तो जो कुछ भी हिंदुस्तान में श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त करनी थी वह उन्होंने प्राप्त कर ली और अब तो उनको इस शिक्षा का लाभ देश को देना है, या अगर विश्व में कहीं और जाते हैं तो उन स्थानों को या उन संस्थाओं को देना है। और इसीलिए मैं बता रहा था कि मैंने जब देखा कि वो जिस संस्था का लोकार्पण करने के लिए नरेंद्र भाई ने मुझे आमंत्रित किया है उसका नाम है आईआईटी राम, मैंने कहा आईआईटी का भी महत्व है देश भर के लिए और राम का तो मेरे लिए विशेष महत्व है। और फिर देखा कि आईआई जो है वो एक नई चीज है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद टेक्नोलॉजी आता है, उसके बाद रिसर्च आता है एंड मैनेजमेंट आता है। मैंने उसी समय साथ में जितने लोग थे उनमें से किसी से पूछा कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी दूसरी संस्था है क्या कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की शिक्षा दी जाती होगी। तो कम से कम जो लोग वहां थे उन्होंने कहा ध्यान में तो नहीं आती कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई और संस्था है, मुझे भी ध्यान में नहीं आती। और इसीलिए मैं मानता हूं कि इस प्रकार की संस्था का श्री गणेश करके गुजरात ने, नरेंद्र भाई ने अपनी एक विशेषता का परिचय दिया है कि वो पूरी देर चिंतन करते रहते हैं कि मैं इनिशिएटिव कौन सा ले सकता हूं, नई चीज जो न हुई हो किसी और स्थान पर न हुई हो वह गुजरात में मैं कैसे करूं। और यह कोई कम महत्व का पहलू नहीं है, साधारण गुण नहीं है, एक असाधारण गुण है उनमें कि जिसको मैंने वर्षों से देखा है, जब वो शासन में नहीं थे मैं जिस पार्टी के माध्यम से जीवन भर देश की सेवा करता रहा हूं, पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से,
आगे चल करके भारतीय जनसंघ के माध्यम से, और जो भारतीय जनसंघ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राजनीतिक संस्था बनी थी कि जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री गुरुजी ने दोनों ने मिलकर के और ये बनाया था। और जो भारतीय जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य करता है, मैं आज प्रातःकाल ही अपने साथियों को बता रहा था कि मैं पहली बार अहमदाबाद में 1945 में आया था, जिसका अर्थ है कि कितने साल हो गए आज, 1945 के बाद 2005 तक तो 60 साल हुए, और उसके बाद 5 के बाद 13 तक 68 साल हो गए। और 68 साल पहले मैं जब यहां आया था, वो मुझे स्मरण आ रहा था, विशेषकर जिस समय मैं अभी अभी रिवर फ्रंट के दो पार्क्स में गया था। मैंने कहा कि कहां 1945 में सुनाई था, गांधी जी के बारे में कोई उल्लेख करता था तो साबरमती आश्रम की बात करता था, और आगे चल करके एक फिल्म भी आई जिसमें साबरमती के संत ने तूने कर दिया कमाल। अब मैं सोचने लगा कि साबरमती जो मैंने 1945 में देखी थी, वो देख करके तो मेरे मन में हुआ कि ये है जिसके नाम से गांधी जी को पुकारा जाता है, ये है साबरमती नदी। और आज देखिए तो लगता है कि वास्तव में हिंदुस्तान के किसी नगर के बीच में किसी ने और नदी का प्रवाह इस प्रकार से किया कि जिसको देख करके मन प्रसन्न हो, जहां पर देख करके जो पार्क्स बनते हैं उन पार्क्स को संचालित करने वाले लोग आनंदित अनुभव करते हो, और उस नगर के बीचों बीच बहने वाली साबरमती नदी में अगर कोई किसी नाव में बैठ करके या किसी लॉन्च में बैठ करके और जाता है 9 किलोमीटर उसकी जो पूरी लंबाई है, तो कितना आनंद आएगा। हिंदुस्तान में तो कम से कम दूसरा स्थान ऐसा नहीं है कि जहां पर इस प्रकार की नदी हो। यूरोप में हम में से कोई गया होगा तो पेरिस याद आएगा और कहीं का स्थान याद आएगा, लेकिन हिंदुस्तान में तो नहीं आएगा। और ये सारी की सारी बातें इन्हीं दिनों में हुई हैं, देखते देखते हुई हैं। जैसे ये आईआईटी राम बना है तो मन में खुशी होती है, गर्व होता है कि उनको बनाने में भी योगदान किया तो जो अब तक सबसे बड़ी और मान्यता प्राप्त और प्रतिभाशाली उसका प्रमुख सुधीर जैन, उन्होंने इसकी कल्पना में और विस्तार किया और वर्कशॉप की और आगे बढ़ाया। मेरी उम्र रहने में होने के कारण मुझे स्मरण आता है अंग्रेज के शासन का। लोगों को बहुत कई बार कल्पना नहीं होती, लोग समझते हैं कि अंग्रेज तो अच्छे लोग थे, भले लोग थे, अच्छा शासन करते थे। मैं जानता हूं, मुझे स्मरण है अच्छी तरह से, मैं पहली बार 46 में जब नागपुर गया तो जो ट्रेन वहां जाती थी, जो कि जिसको आज सेंट्रल रेलवे कहा जाता है, उस ट्रेन का उस समय नाम हुआ करता था GIP रेलवे, सेंट्रल रेलवे नहीं था। और GIP इस नाते था कि उसका फुल जो नाम था वह था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। मैं पहली बार गया था उस ट्रेन में और उस कारण देख करके हैरान हुआ कि जितनी चीजें वहां पर थी, जैसे टॉयलेट में अगर नलके थे, टॉयलेट में एक आईना लगा हुआ था, कंपार्टमेंट में गद्दे थे, तो उन सबके ऊपर GIP नहीं लिखा था,
जीआईपी रेलवे भी नहीं लिखा था, मोटे अक्षरों में लिखा था स्टोलन फ्रॉम द जीआईपी। आप सोचिए, मैं उन दिनों में भी उसका उल्लेख करता था, 1945 के बाद से लेकर के, मैं कहता था कि अंग्रेज हम पर राज करते हैं, इतना ही नहीं तो अंग्रेज मानते हैं कि ये लोग हीन लोग हैं, चोर हैं प्रकृति से। अगर कोई ऐसी चीज लगी कि ये आईना लगा हुआ है, अच्छा है, बड़ा है, तो उसको उठा करके अपने घर ले जाएंगे और जाकर के घर पर लगाएंगे, तो अच्छी बात यह होगी कि उनके घर पर आने वाला जो है वो देखे लिखा हुआ वहां पर स्टोलन फ्रॉम द जीआईपी। हीनता का भाव मन में होता था, ह्यूमिलिएशन होता था कि कैसा शासन है हमारा, जितनी जल्दी इस शासन से हम मुक्त हो जाए उतना अच्छा होगा, यह मन में इच्छा होती थी। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करता हूं कि उस शासन से मुक्ति पाने का एक उद्देश्य और जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि इनसे मुक्ति पा करके हम स्वाभिमान के साथ जिए, राष्ट्रहित को आगे बढ़ाएं और सबसे बढ़कर के हिंदुस्तान की जनता को अच्छा शासन दे, ईमानदार शासन दे, सुराज्य दे। और ये कल्पना कार्यान्वित करने के लिए ही भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य कर रहा है। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हां, केंद्र में तो हमारी सरकार एक ही बार आई, 6 साल तक वाजपेयी जी हमारे नेता थे, 1998 से लेकर के 2004 तक। प्रदेशों में कई बार आई, कई स्थानों पर आई, और विगत 20-25 सालों में तो जिस प्रकार से गुजरात में हमारे शासन ने और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम किया है, आज उसकी भूरी भूरी प्रशंसा देश में ही नहीं, देश विदेश सब जगह होती है, बहुत खुशी होती है। और उसकी व्यवस्था में इस प्रकार की संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा होना चाहिए इसकी चिंता की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की भी चिंता की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की भी चिंता की जाए। वाजपेयी जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, और मुझे याद है कि शुरू में ही जब सरकार बनी तो आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात क्या है इसको सोचा, तो वाजपेयी जी ने कहा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर डाला, सारा का सारा जोर उसी पर डाला। लोग आकर के कहते थे कि हम विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में सड़कें इतनी अच्छी हैं, इतनी बढ़िया है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं। वाजपेयी जी ने कहा हिंदुस्तान में भी हो जाएंगी, और वो सब जितना काम हुआ उस समय उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था। हां, ये बात जरूरी है कि क्योंकि भारत सुरक्षा के लिए भी हमेशा चिंतित रहा है, इसीलिए सरकार बनी 1998 के फरवरी में, और मई का महीना भी बीतने नहीं दिया कि एनडीए की सरकार ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत को एक अणुशक्ति बना दिया पोखरण में, और अणु विस्फोट करके, और हमने एक भारत को एक ऐसा स्थान दिया कि जिसके कारण विश्व भर में उसका आदर होने लगा। अमेरिका का अपना कानून है कि अगर कोई देश एटॉमिक वेपन बनाएगा तो अमेरिका उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएगी। उन्होंने तुरंत इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, और मैं इन दिनों में अनेक बार कहता हूं कि 6 साल तक वाजपेयी जी का शासन रहा, एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी
कि आम आदमी के लिए आम चीजों की, आम वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ने दी, बावजूद इसके कि उस समय इकोनॉमिक सैंक्शंस हम पर लगा करके अमेरिका ने हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर दी, बावजूद इसके कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1947 से लेकर के आज तक कभी इतना भयंकर भूकंप नहीं आया जैसा उस काल में कच्छ में आया, बावजूद इस बात के अनेक ऐसी दिक्कतें छोटी छोटी पग पग पर आती थी, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ने दी, महंगाई को रोके रखा, सुरक्षा के ऊपर कोई संकट नहीं आने दिया। इतना ही नहीं तो आज देखिए कि एक राज्य है जहां पर रहने वाले बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि ये राज्य बनना चाहिए, वो बनाने के लिए क्या हो रहा है, कहते हैं कि वो राज्य बनाने के लिए और केंद्रीय सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करेगी, क्योंकि बिना राष्ट्रपति शासन लागू किए हुए उन्होंने जो घोषणा की है उसको कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा, इतना उद्यम होगा। अभी भी पिछले इन 4-6 महीनों में जब से लेकर के इस बात की चर्चा हुई है कि तेलंगाना राज्य बनेगा, आंध्र में पता नहीं कितने लोग मर गए हैं, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की है, बहुत कुछ होता रहा है। मैं इन बातों का उल्लेख केवल इसलिए करता हूं कि मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार जब केंद्र में रही वाजपेयी जी के नेतृत्व में, आज कई प्रदेशों में हमारे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो कार्य संभाल रहे हैं, तो ऐसी चीजें बिना दिक्कत के होती थी। 3-3 राज्य बनाए जिनमें से एक राज्य तो ऐसा था कि जिसके मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कहते हैं कि झारखंड बनाया जाएगा, मैं कहता हूं इट विल बी ओनली ओवर माय डेड बॉडी, मेरी मृत्यु शरीर पर ही बनेगा। कोई मृत्यु किसी की नहीं हुई, वो भी उसमें सम्मिलित हुए और तीनों राज्य बड़े बिना दिक्कत के सहज रूप में बन गए। अच्छा शासन, ईमानदार शासन ये सब बातें कर सकता है, इसका उदाहरण हमारे सामने केंद्र की वाजपेयी जी की सरकार, प्रदेशों में जो हमारी और सरकारें चल रही हैं और जिनके आधार पर मेरी पार्टी ने तय किया है कि अगली बार अवसर मिलेगा हमको सरकार बनाने का तो हमको बहुत आनंद होगा कि नरेंद्र भाई हमारे प्रधानमंत्री बने। मैं इन बातों का उल्लेख इसलिए करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इस प्रकार की संस्थाएं बनाना, इस प्रकार के संस्थानों का निर्माण करना और जिसमें जितनी चीजें देश को उन्नत कर सकती है उन उन्नत करने वाली चीजों का प्रशिक्षण दिया जाए, दुनिया भर के लोगों को उसके साथ जोड़ा जाए, ये जो कल्पना की और बता रहे थे सुधीर जी, ये सारी बातें बहुत उत्तम है और मैं विश्वास करता हूं कि इस दिशा में बढ़ते बढ़ते, मैं तो हमेशा कल्पना करता था कि भारत स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्र होने के थोड़े दिन बाद ही, कुछ ही दशकों बाद ही हम दुनिया के देशों की पहली पंक्ति में खड़े होंगे। 1947 में जब आजादी मिली थी तब मैं हमेशा सोचता था कि यह 20वीं शताब्दी जो 2000 में पूरी होगी, 2000 तक पहुंचते पहुंचते हमारी स्थिति देश की ऐसी बननी चाहिए कि जिसके कारण दुनिया सारी स्वीकार करे। शुरू में तो वो ये भी मानने को तैयार नहीं होते थे कि यहां पर लोकतंत्र चल सकेगा, कहते थे कि लोकतंत्र नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, लोकतंत्र नहीं चलेगा। अरे हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि पंडित नेहरू बड़े उससे प्रभावित हैं और वो इसलिए लोकतंत्र उन्होंने अपना लिया। मुझे याद है वो शुरू के आरंभ के पहले वर्ष ये चर्चा कम होती थी कि नेहरू जी के बाद कौन आएगा, हु आफ्टर नेहरू, इसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती थी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती थी
वॉट आफ्टर नेहरू, नेहरू जी जब नहीं रहेंगे तो क्या होगा, क्या भारत में लोकतंत्र बचेगा। नेहरू जी गए कई साल हो गए, लेकिन लोकतंत्र है वो 19 महीने की इमरजेंसी छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, बाकी तो लोकतंत्र सजीव रहा है और प्राणवान रहा है। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन हां फिर भी ये बात माननी पड़ेगी कि 47 के बाद 53 साल बीत जाने के बाद भी भारत गरीबी नहीं मिटा सका, निरक्षरता नहीं मिटा सका, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सका। और ये जो कमियां हैं, मैं मानता हूं कि धीरे धीरे करके कम होती जा रही हैं, कम हो रही हैं। कम से कम मेरी पार्टी, मेरे सहयोगी, ये सब इस दिशा में पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं लोगों को कि इस समय जहां जहां पर भी हम अधिकार के क्षेत्र में हैं, अधिकार की अवस्था में हैं, वहां वहां पर हमको ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए कि 20वीं शताब्दी भले पश्चिम की शताब्दी रही होगी, अंग्रेजों की शताब्दी रही होगी, अमेरिकनों की शताब्दी रही होगी, रूसियों की शताब्दी रही होगी, लेकिन 21वीं शताब्दी वह जल्दी से जल्दी ऐसी अवस्था में भारत को पहुंचाए कि सारी दुनिया मानने लगे कि 20वीं शताब्दी भले पश्चिम की शताब्दी रही होगी, यह 21वीं शताब्दी निश्चित रूप से भारत की शताब्दी बनने वाली है। यह विश्वास उनके मन में पैदा हो, इस दृष्टि से यह केवल शासन का काम नहीं है, केवल सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम नहीं है। मैं मानता हूं एक एक व्यक्ति कोई भी काम करता हो, किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, वो अगर संकल्प करे कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, नैतिकता के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, सही बात से करता रहूंगा, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि भारत में जो सामर्थ्य है वो और किसी देश में सामर्थ्य नहीं है। जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारा ही पोटेंशियल है। और इसमें इस प्रकार की संस्थाएं जैसे IIT राम यह बहुत बड़ा योगदान करेंगी, इसके बारे में भी मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं आपको सभी को यहां पर जो उपस्थित है, मंच पर जो मेरे साथ बैठे हुए हैं और IIT राम के निर्माण में जो लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने 11 महीने में इतना बड़ा भवन खड़ा कर दिया और इतनी शानदार संस्था खड़ी कर दी, और विशेषकर मेरे साथी नरेंद्र भाई मोदी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने यह अच्छा काम ही नहीं किया है, मैं आभार प्रकट करता हूं उनके प्रति कि उन्होंने मुझे गांधीनगर का प्रतिनिधि होने के कारण आज यहां पर बुला करके यह अवसर दिया है कि मैं आपको ये दो शब्द कह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।